इंस्पेक्टर सिंह ने मुझे तुम्हारे बारे में बताया था, लेकिन मुझे जरा सा भी अंदाजा नहीं था कि तुम्हारी रविंदर सेना ऐसा कमाल कर दिखाएगी। तुम लोगों को शायद पता नहीं कि तुम लोगों ने कितना बड़ा काम कर दिया। किनारी को 7 राज्यों की पुलिस और एंटी ड्रग्स ब्यूरो वाले कई महीनों से ढूंढ रहे थे, लेकिन जो काम हम महीनों में न कर पाए वो तुम्हारी रविंदर सेना ने अपने दोस्त की जान बचाने के लिए सिर्फ एक दिन में कर दिखाया। हैट्स ऑफ टू यू ऑल। सर, मुझे लगता है कि सब लोग गलत काम करने वालों से डरना बंद कर दे तो हमारा देश वाकई में बहुत अच्छा बन जाएगा। अबे ओ उत गांव के रविंदर ताऊ, जिस दिन मैं जेल से बाहर आ गई ना, समझ लीजो उस दिन से तेरा राहु काल शुरू। बकवास बंद कर और जिंदगी भर जेल में चक्की पीसने के लिए तैयार हो जा। बेटा तुम लोग जाओ, इसका बयान लेने के बाद मैं रोहन को भी छोड़ दूंगा। थैंक यू सर। सर मेरे रंजीत अंकल को भी आप छोड़ देंगे ना? हाँ, लेकिन जब हमारी इन्वेस्टिगेशन पूरी हो जाएगी तब। अच्छा अब तुम सब घर जाओ। रविंदर बेटा एक सेकंड, तुम सब थोड़े केयरफुल रहना। बुरे लोग अपनी बुराई आसानी से नहीं छोड़ते। मैं समझ गया सर, मेरी मम्मी भी यही कहती है। सर अब हम चलते हैं। सत श्री अकाल। सत श्री अकाल। बी केयरफुल। जिसके पास तेरा जैसा दोस्त हो उसे थोड़ी ना कुछ हो सकता है, वो तो चंगा ही रहना है ना। ये सब मेरी वजह से नहीं हुआ है, ये तो वाहेगुरु की मेहर है। रोहन रोहन मेरा पुत्र रोहन। कैसा है तू पुत्र? कितना कमजोर हो गया है। तुझे ठीक से कुछ खाया पिया भी नहीं होगा ना। खैर मैं तेरे लिए ना भी दूध लेकर आती हूँ। मासी जी दूध 2 ग्लास में लाना। 2 ग्लास क्यों? रंजीत चाचू भी तो पियेंगे। रंजीत चाची आए? कितने हैं वो? बाहर खड़े हैं। हाय जा। रंजीत प्राची तुझे कैसे हो जी? प्रजाई जी मनु माफ कर दो, मुझसे ना बहुत बड़ी गलती हो गई,
मुझे नहीं पता सी उन पैकेट विच ड्रग से की। रंजीत प्राची, असी सबनों पूरा भरोसा है कि आप गलत काम कर ही नहीं सकते। देखिए प्राची, लोग मेहनत से कम कमाकर भी खुश रह सकते हैं, लेकिन गलत काम से कमाए हुए पैसे से खुशियां नहीं आंदी। हाय परजाई जी, इनको किस बात का दुख? ये तो वहां पे भी आराम कर रहे होंगे, हैं? ऐ गलतो प्रीतो बिल्कुल सही कह रही है, अडा प्यार करती है आपसे। फिटे मुँह कुछ तो बोलो। चुटी एक नंबर की तू चंट। सर क्या हुआ? बहुत बुरी खबर है सर। क्या हुआ? नरी भाग गई क्या? हाँ सर, वो भाग गई सर। और नॉनसेंस, मैंने तुम लोगों को पहले वार्न किया था ना। सर हमने पूरा इंतजाम किया था सर। फिर वो भागी कैसे? डैमेज सर, तो उसने सिपाहियों की चाय में नींद की गोलियां मिला दी सर। और व्हाट नॉनसेंस, एक छोटे से बच्चे रविंदर ने अपनी जान पे खेल के उसे गिरफ्तार करवाया था, और तुम लोग अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा पाए। सर आप चिंता मत कीजिए, मैं पूरी टीम को लेकर निकल रहा हूँ। वो बहुत ही जल्द लॉकअप में होगी। नहीं, सबसे पहले तुम अपने टीम मेंबर्स को रविंदर भवन भेजोगे, रविंदर और उसके परिवार की सुरक्षा के लिए। वो बहुत ही खतरनाक है इंस्पेक्टर, वो अपना बदला लेने वहां जरूर जाएगी। जी सर। Magic mobile, holy musty, holy musty.